बैठे थे नीतीश नायडू जैसे बड़े नेता, अचानक मीडिया पर भड़क गए पीएम मोदी। सांसदों की भी मोदी ने लगा दी तगड़ी क्लास। मंत्रालय पर मोदी ने दे दी सांसदों को नसीहत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। देश की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी पहली बार साल 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था, और जब साल 2019 में लगातार दूसरी बार देश की सत्ता संभाली तो उस वक्त भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था। लेकिन इस बार देश की जनता ने बीजेपी को नहीं एनडीए गठबंधन को जनादेश दिया है। यही वजह है कि विपक्षी नेताओं से लेकर मीडिया तक में यह खबरें चल रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू समर्थन के नाम पर कोई बड़ा मंत्रालय मांग रहे हैं, तो कहीं नीतीश कुमार भी समर्थन के नाम पर कई बड़े मंत्रालयों की डील करने में लगे हुए हैं। ऐसी तमाम अफवाहें उड़ाने वालों को पीएम नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त लताड़ लगाई है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। दरअसल जब से बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े से पिछड़ी है, मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक ये खबरें छाई हुई हैं कि नीतीश कुमार, चंद्र बाबू नायडू, जीतन राम मांझी जैसे एनडीए के नेता बीजेपी पर मंत्रालय को लेकर प्रेशर बना रहे हैं। कुछ मीडिया चैनलों में तो सूत्रों के हवाले से यहां तक कहा जा रहा है कि चंद्र बाबू नायडू वित्त मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय जैसे विभाग मांग रहे हैं। ऐसी तमाम अटकलों के बीच शुक्रवार को जब पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सांसदों के साथ बैठक हुई तो इस दौरान मंत्री बनने बनाने की अफवाहों को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने एनडीए के तमाम सांसदों को ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की नसीहत देते हुए कहा कि आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहता हूं, जो लोग मोदी को जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि ये सारे प्रयास निरर्थक हैं। भाई, हम नए नए सांसद आए हैं, कुछ पुराने सांसद हैं, कुछ ज्यादा अनुभवी सांसद भी हैं। आप देखते हैं कि इन दिनों, पिछले दो दिन से आप टीवी पे देखते होंगे, एक भी सच्चाई मुझे उसमें नजर नहीं आई। कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा था, सब मैंने कहा भी जरा पूछो तो ये जानकारी लाते कहां से, गपगोले चला रहे, किसी के खाते में कुछ भी डाल करके चल रहा है। तो मतलब ये थोड़े दिन, क्योंकि 10 साल से ऐसे अवसर नहीं मिले हैं, तो शायद ये उबाल जरा ज्यादा रहेगा। लेकिन आप मान के चलिए जी, ऐसे लोग कोई पहुंचेंगे, बस साहब मेरा अच्छा संबंध है मंत्री में, आपका नंबर कर सकता हूँ आया। हमें भी पता नहीं होता यार, हो सकता है मिनिस्टर बनने का ही रास्ता होगा, तो हम भी गलती से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो पता नहीं वो किस खाई में डुबो देता है। कभी कभी तो शायद, आप तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हो सकता है मेरे सिग्नेचर से कोई लिस्ट बाहर निकल जाए कि ये मंत्री बन गए, हो सकता है कोई बुद्धिमान डिपार्टमेंट भी बांट दें। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है भाई। नीतीश कुमार और चंद्र बाबू नायडू जैसे गठबंधन के बड़े नेताओं के सामने ही सांसदों को नसीहत दे रहे पीएम मोदी ने यहां तक कहा कि अगर किसी का फोन आ जाए तो नंबर वेरीफाई कर लेना कि जिसने फोन किया है वो सचमुच में अथॉरिटी है या नहीं। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम ऐसी साजिशों का शिकार ना बने। आप भी किसी का फोन आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए कि जिसने फोन किया है वो सचमुच में अथॉरिटी है, अदरवाइज कोई भी क्या भाई, आपका नाम हो गया है, सुबह परिवार को बुला लीजिए, शपथ समारोह में आना है, हो गया। तो ऐसी गपबाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फौज रहती है। कुछ लोग आदतन करते रहते हैं, कुछ लोगों को मजाक आती है लेकर, और कुछ लोग बद इरादे से करते हैं। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। दूसरा, हमारे जो इंडिया अलायंस वालों ने इस चुनाव में
फेक न्यूज में एक्सपर्टाइज कर लिया, डबल पीएचडी कर लिया उन्होंने, वो शायद इसका भरपूर उपयोग करेंगे। हम कृपा करके इन चीजों से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें। ये जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है, मुझे भी सही सलाह देने वाली टीम है, और इसलिए टीम मिलकर के बहुत सही निर्णय करने वाली है। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। सांसदों की क्लास लगा रहे पीएम मोदी ने इस दौरान नीतीश, नायडू, अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी जैसे बड़े बड़े नेताओं की ओर इशारा करते हुए ये भी बात साफ कर दी कि इन्हीं नेताओं के विचार विमर्श पर ही मंत्री बनाए जाएंगे। इन नेताओं के अलावा मीडिया या सोशल मीडिया पर कहीं से भी मंत्री बनाने की खबरें आई तो ऐसी अफवाहों से दूर रहे। आपको बता दें कि लगातार दो बार से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार चलाने वाले पीएम मोदी को इस बार देश की जनता ने 240 सीटें ही दी। ऐसे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का साथ बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि इन्हीं दोनों नेताओं की पार्टियों के पास बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सांसद हैं, जिनका साथ रहना मोदी के लिए बेहद जरूरी है। ये दोनों नेता अगर इंडिया गठबंधन की ओर चले भी जाएंगे तो मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वैसे इस बात की संभावनाएं कम ही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद ही कह दिया है कि वो एनडीए छोड़कर अब कहीं नहीं जाएंगे। आप भी सुनिए पीएम मोदी की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा था। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है, 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे, और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके, क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की, लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो गया। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा, अब बिहार वहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे, सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे, और बहुत अच्छा होगा। आप जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है, और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं, हम मिल करके सब लोग चलेंगे, और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे, और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी, यही हम लोगों को कहना है। और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी, और पूरे देश में इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है, इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे, इन्हीं सपनों के साथ
और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एनडीए के हमारे सम्मान्य साथी, शिवसेना के हमारे नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी से आग्रह करूंगा कि वो भी प्रस्ताव का अनुमोदन करें। भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज का ये ऐतिहासिक और स्वर्णिम दिन है कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर राजनाथ सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है,